সমাপ্তি হলো অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিস ক্যাডাম প্রতিযোগিতা। গত 16 নভেম্বর থেকে হাপানিয়া মেলা গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। প্রতিযোগিতায় মোট 34টি দল অংশ নিয়েছিল। রাজ্য বহিরাজ্য মিলে প্রায় 500 প্রতিযোগী অংশ নেন এই ক্যাডাম প্রতিযোগিতায়। সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ইন্টার অফিস স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিসেস আধিকারিকরা। जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर राजीव चटर्जी, उन्होंने काफी मेहनत किया, इनकी टीम ने काफी मेहनत किया, काफी अच्छा इवेंट हुआ यहाँ पे। हम लोगों ने 5 दिनों में करीब 716 मैच यहाँ पे कराया 5 इवेंट में, जो कि अपने आप में एक साबित करता है कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो काफी सक्षम है इस तरह टूर्नामेंट ऑल इंडिया लेवल पर कराने के लिए। और सभी अंपायर्स, इनकी टीम जो भी थे, काफी मेहनत किया। और राजीव चटर्जी जी जो है, ये मेरे को लगता है जून से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो। और इन्होंने केवल कैरम का ही नहीं ऑल इंडिया सिविल सर्विस कराया, बल्कि इसके पहले 10 से 14 नवंबर उन्होंने ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक का भी आयोजन किया था यहाँ पे। इसमें भी पूरे देश से करीब 500 खिलाड़ी आए थे और इस टूर्नामेंट में भी पूरे देश से करीब 416 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये दिखाता है कि कितने सक्षम ये लोग हैं यहाँ पे टूर्नामेंट कराने का। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है और टीम इनकी अच्छी है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा त्रिपुरा सभी लोगों का, और साथ ही जो भी जीते हैं, जो भी चैंपियन बने हैं, उन सभी को बधाई। थैंक यू सो मच।